क्यों रो पड़ी थी स्कारलेट अपने ब्लैक विडो के किरदार की एंडिंग सुनकर? क्या लग गए ब्लैक विडो फिल्म को बनने में 17 साल? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म ब्लैक विडो के बारे में। ब्लैक विडो 2021 में आई अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जिसमें ब्लैक विडो नाम के किरदार को दिखाया जाएगा। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स की ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 24वीं फिल्म है। फिल्म का निर्देशन केट शॉर्टलैंड द्वारा एरिक पियर्सन की कहानी से किया गया था और स्कारलेट जोहानसन को नताशा रोमनॉफ, डेविड हार्बर, ओटी फैगबेनल, ओल्गा कुरालेंको, विलियम हार्ट, रे विंस्टन और रॉचल विच के साथ अभिनित किया गया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म, जो कि 2016 में आई थी, उसकी घटनाओं के बाद इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इसमें नताशा रोमनॉफ को भागते हुए दिखाया जाता है। डेविड हेटर फिल्म के लेखन और निर्देशन से जुड़े थे। ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और किरदार के फिल्म राइट्स जून 2006 तक मार्वल स्टूडियोज में वापस आ गए थे। आयरन मैन 2 से शुरू होने वाली कई एमसीयू फिल्मों में लिया गया था और मार्वल के साथ एक सोलो फिल्म पर चर्चा करना शुरू कर दिया था। 2017 के अंत में काम शुरू हुआ। 2018 में शॉर्टलैंड को काम पर रखा गया था। फिल्म की शूटिंग मई से अक्टूबर 2019 तक नॉर्वे, बुडापेस्ट मोरक्को, इंग्लैंड में पाइनवुड स्टूडियोज और अटलांटा, मैकॉन और रोम जॉर्जिया में की गई थी। इस फिल्म से पहले ब्लैक विडो को एवेंजर्स एंडगेम में देखा गया था, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। स्कारलेट जोहानसन ने एक बार खुलासा किया था कि जब उन्हें एवेंजर्स एंडगेम में ब्लैक विडो का दिल दहला देने वाली मौत के बारे में पता चलता है, तो वो शॉवर में रो पड़ी थी। एंडगेम में एक सीन ऐसा था जिसमें सोल स्टोन को पाने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। हॉकआई उसके साथ एकमात्र ऐसा किरदार था जिसने नताशा को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन नताशा रोमनॉफ ने वर्मिर पर एक चट्टान से छलांग लगा दी और एवेंजर्स को सोल स्टोन मिल गया। डिज्नी प्लस को अमेरिका और कुछ अन्य देशों में रिलीज करने के लिए मुकदमा दायर किया, इस तरह संभावित रूप से फिल्म के अच्छे प्रदर्शन की संभावना को कम कर दिया। अब इस मुकदमे का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। लेकिन तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले।